सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ़ जीएनसीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड स्क्वेयर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन दिस वर्कशीट देखिए आज की इस वर्कशीट में हम स्क्वेयर रूट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे सो नाउ लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी टूडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट आज प्रिया ने रिया को एक घटना के बारे में बताया यस्टरडे वेन पापा वेन टू द प्रॉपर्टी डीलर टू बाई अ प्लॉट शी अ कम्पेंट हिम एंड द डीलर एंक्वायर्ड पापा अबाउट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डज ही वॉन्ट टू परचेज देखिए रिया ने बताया कल जब पापा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट खरीदने गए तो मैं भी उनके साथ गई थी और डीलर ने उनसे पूछा कि आपको कितना एरिया चाहिए मतलब कितना लैंड का एरिया चाहिए जो वो ख़रीदना चाहते हैं पापा रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड अ स्क्र प्लॉट ऑफ फोर्टी फाइव फीट मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव फीट उसका जो एरिया हुआ वो, वो हुआ 2025 फीट स्क्वायर यानी उन्हें जो है 2025 वर्ग स्क्वायर 2025 स्क्वायर फीट का एक घर चाहिए एक घर चाहिए या ज़मीन चाहिए तो द डीलर सेट ब्रदर आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज एज मच एज यू नीड तो डीलर ने कहा भैया मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाता हूँ कि जो आपकी जरूरत को पूरा कर देगा जस्ट

तो हो गया ना बराबर तो फिर देन आई हैड अ थॉट एंड आई टोल्ड पापा नो no, पापा ही विल गिव अस वन स्क्वायर फीट लेस लैंड मैंने तुरंत सोचा और अपने पापा को कहा नहीं नहीं पापा ये हमें एक स्क्वायर फीट कम जगह दे रहा है देन द फादर लुक डेट द कैलकुलेशन ऑफ फोर्टी सिक्स फीट मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फोर फीट एंड सेट येस माई डॉटर यू आर राइट मेरे पापा ने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 46 और 44 फीट को तो उनका आंसर जो आया उन्होंने कहा तुमने तो बिल्कुल सही कहा इट विल बी द 2024 फीट स्क्वायर यानी उससे एक फीट कम तो बट हाउ डिड यू फाइंड इट सो सून तो उसने कहा उनके पापा ने कहा लेकिन मैंने तो ऐसे उसको मल्टीप्लाई करके देखा तुमने इतनी जल्दी कैसे इसका आंसर निकाल लिया देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाई मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द 2025 तो उन्होंने उसने कहा कि भाई मैंने मल्टीप्लाई uh, करके नहीं देखा पापा मैंने तो जो आपका आंसर पहला वाला आंसर था ना 2025 जितना आपको चाहिए था उसमें से बस वन लेस करके आंसर बता दिया लुक केयरफुली रिया एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट डीलर वांटेड टू टेक मोर मनी ऑफ वन स्क्वेयर फीट फ्राम अस तो देखो ना कि ये कितना चलाक था वो डीलर वो हमसे एक स्क्वेयर फीट के पैसे ज़्यादा ले रहा था तो चलिए अब हम उसके फादर की कैलकुलेशन देखते हैं फादर्स वे ऑफ कैलकुलेशन उसके फ़ादर ने कैसे किया था 45 फ़ीट मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फ़ीट तो उसका आंसर बना 2025 फ़ीट स्क्वायर फिर उसके पापा ने दूसरी सिचुएशन में देखा जब वन फीट ज़्यादा और कम मिल रहा था तो वन फीट ज़्यादा मिल रहा था फोर्टी सिक्स फीट और वन फीट कम मिल रहा था उसकी विर्थ में फोर्टी फोर फीट उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया टू हज़ार सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर स्क्वेयर फीट तो उन्होंने तो मल्टीप्लाई किया लेकिन अकॉर्डिंग टू एलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रिया ऑफ कलेक्शन कैलकुलेशन प्रिया का क्या तरीका था पहली सिचुएशन 45 फीट मल्टीप्लाई 45 फीट इज इक्वल टू 2025 फीट स्क्वायर अब फार्मूला क्या लगाया गया ए प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ए माइनस वन इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस वन क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है तो या तो हम इसको ऐसे कर लें 46 सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर्टी वो तब भी सेम आंसर होगा या हम उसके बीच का जो नंबर होता है 45 उसका स्क्वायर करके उसमें से वन माइनस कर दें तो भी आंसर वही होगा तो हम आप देखिएगा इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों इक्वल रहेगा आंसर क्योंकि दोनों का इक्वल रहेगा और आंसर निकला टू स्क्वायर फीट अब आपको समझ में आया कि रिया ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे की तो फॉर्मूला क्या बना वी कैन ऑप्टेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टूटिंगटिव एक साथ आने वाले टू ऑड नंबर या टू इवन कंजर्कटिव हो तो हम क्या करते हैं उसके बीच का जो नंबर होता है ना उसका स्क्वेयर करके उसमें से माइनस वन कर लो आंसर फटाफट निकल आएगा तो अब हम इन्हीं फार्मूला को अपने जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें अप्लाई करके देखते हैं नाउ लेट्स सी टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1999 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू आपको इतना मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं इनके जो बीच का नंबर है वो है टू तो आपने क्या करना है टू थाउजेंड का स्क्यर करो और उसमें से वन माइनस कर दो तो टू थाउजेंड का स्क्वेयर करना बहुत आसान है वो बनेगा फोर्टी लैख फोर के बाद सिक्स जीरो उसमें से एक माइनस कर दो तो आंसर बन जाएगा थर्टी नाइन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सिम्पल मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये टू कंजटिव ऑड नंबर्स हैं फिर टू कंजेकेटिव इवन नंबर उनको मल्टीप्लाई करना तो इनके बीच का नंबर क्या है ट्वेंटी फाइव उसका स्क्वेयर करो माइनस वन करो तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस किया तो आंसर आया 624. फिर है 96 सिक्स मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी एट तो कंजर्कटिव नंबर इनके बीच का नंबर क्या होगा 97. उसका स्क्वायर करो माइनस वन करो स्क्वायर किया नाइन नाइन्टी सेवन मतलब होता है 97 सेवन मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी सेवन तो आ गया नाइन इसमें से एक माइनस किया वन माइनस किया तो नाइन है ना बहुत सिंपल अब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं ये भी बहुत आसान है देखने में बहुत मुश्किल है ना देखो करेंगे कैसे तो देखो फोर्थ क्वेश्चन ऊपर तो जो लिखा है वही लिखा रहने तो मल्टीप्लाई नहीं करना क्या तुम देखो नीचे वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दो कंजर्केटिव जो नंबर हैं इवन नंबर 322 और 324 इनके बीच का नंबर कितना है 323 अगर उसका स्क्वायर करके माइनस वन कर दें तो भी वही होगा और ऐसे लिख दें तब भी वही होगा तो अब समझ में आया ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो गई तो इससे कट गया ये इससे कट गया ये इससे कटा ये, कट ये, कट ये और इससे कटा ये आंसर आ गया वन। अब अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन तो देखो अगले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे ऊपर वाले नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बताओ लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 605, उसके आगे पीछे की संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करें या 605 का स्क्वेयर 605 का स्क्वेयर माइनस वन करें दोनों बात एक ही है दोनों सेम आंसर आएगा तो अब जब ऐसा बन गया तो देखिए सिक्स से सिक्स कट हो गया और आंसर बचा 604 है ना इजी क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था और अब इसी तरह से 71 और 73 को मल्टीप्लाई नहीं करना इसके बीच का नंबर होता है 72 तो 72 का स्क्वेयर निकालो और माइनस उसमें से वन कर दो तो अब बताओ क्या आंसर आएगा तो देखिए 72 का स्क्वेयर किया तो बना 5184 और इसमें से हम वन माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 5183 है ना इजी सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत तो और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखना है क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच